नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बनाया उत्तराधिकारी और राष्ट्रीय संयोजक। कल 23 जून थी और 23 जून को बसपा सुप्रीमो मायावती जी की लखनऊ के अंदर एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें वहां पर बड़े बड़े नेता आए और आकाश आनंद को भी वहां पर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और आकाश आनंद के सर के ऊपर हाथ रखकर उसको आशीर्वाद दिया। यह वीडियो बहुत तेजी से कल वायरल होती दिखी। और वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण, जो कि नगीना से बम्पर जीत हासिल करके वहां पर एक इतिहास रचा, और कयास यह लगाया जा रहा है कि चंद्रशेखर की इस जीत ने मायावती जी को मजबूर किया कि उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। वहीं हम आपको बता दें कि अभी पिछले दिनों जो लोकसभा के चुनाव हुए थे और उसमें जो प्रचार प्रसार चल रहा था, उसी के बीच आकाश आनंद अपने तेवर में नज़र आए थे। स्पीच के दौरान उन्होंने जो अपने तेवर दिखाए, भाजपा को वहां पर आतंकवादी तक करार दिया, और उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया कि यह अपरिवक्त है। आकाश आनंद पर अपरिवक्त का इल्ज़ाम लगाकर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, क्योंकि उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया था। और उसके बाद जो चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि नगीना की सीट से बम्पर जीत हासिल करके एक इतिहास रच कर दिखाया, और उसके बाद अभी हाल फिलहाल में जो ईद थी, ईद के दिन चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी बिजनौर की सीट पर जाकर, यानी बिजनौर के अपने क्षेत्र में जाकर, जो वहाँ मुस्लिमों को हार्दिक शुभकामनाएँ दी, मुस्लिमों के साथ ईद के साथ वह तस्वीरें दिखाई दी। यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जो वहाँ मुस्लिमों के साथ प्रेम मोहब्बत दिखाई, और उसको देखकर भी कयास लगाया जा रहा है कि मुस्लिमों का भी समर्थन चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ काफ़ी बढ़ रहा है। और उसको देखकर कि चंद्रशेखर आज़ाद ने की मुलाकात और बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपने भतीजे को बनाया उत्तराधिकारी, ये हमने टाइटल दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने मुलाकात की ईद के दिन मुस्लिमों से, जो कि भारी तादाद में है। और बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने चुनाव की हार के बाद मुस्लिमों के ऊपर भी एक टिप्पणी की थी कि मुस्लिमों ने ठीक प्रकार से हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हम जीत नहीं सके। और इसको देखकर चंद्रशेखर आज़ाद ने बिजनौर में जाकर ईद के दिन मुस्लिमों को अपने साथ लेकर, मुस्लिमों के साथ ईद को सेलिब्रेट करके वहां पर एक प्रेम दिखाया कि मुस्लिम भी हमारे साथ है। और इसको देखकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जो कयास लगाए जा रहे कि आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया और राष्ट्रीय संयोजक बनाया कि अब जो उपचुनाव होंगे, 10 सीट पर उपचुनाव होंगे, उस उपचुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती जी आकाश आनंद को पूरी कमांड दे चुकी है कि जाओ आकाश, अब खुलकर चुनाव लड़ो, खुलकर आप अपने तरीके से रूपरेखा तैयार करो। और यहां तक कि सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि आकाश अब आनंद लो, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आपको छूट दे दी, और ठीक प्रकार से संयम रखकर काम को, कार्य को बढ़ाओ। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखे। देखते रहिए बीएच न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।